अगर बात की जाए हिंदी और बंगाली सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री की तो सबसे पहला नाम अगर सुचित्रा सेन का ही आता है। उन्होंने बंगाली सिनेमा के अलावा हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ी। सुनीता सेन ने बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया। इस मशहूर अभिनेत्री सुचित्रा सेन के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही स्वाभिमानी थी और कई बार कुछ चीज़ें ठीक न लगने पर लोगों के प्रस्ताव एक झटके में ठुकरा दिया करती थी। उन्होंने सबको अपने नायाब अभिनय का कायल कर दिया था। उन्होंने सिखाया था कि बिना अश्लीलता के पर्दे पर रोमांस कैसे किया जाता है। सुचित्रा सेन अपने समय की सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में से एक थी। ऐसा बताया जाता है कि उनकी मौत काफ़ी दर्दनाक हुई थी, इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम अभिनेत्री के आखिरी वक्त के हालात कैसे थे उससे रूबरू करवाने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सुचित्रा सेन का जन्म 6 अप्रैल 1931 को उस समय के बांग्लादेश के पवना जिले में हुआ था। उनका असली नाम रोमा दास गुप्ता था। उनके पिता करुणोमय दास गुप्ता एक हेडमास्टर थे। सुचित्रा सेन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पवना से ही की। साल 1947 में सुचित्रा सेन की शादी बंगाल में जाने माने उद्योगपति हरिनाथ सेन के बेटे दीवानाथ सेन से हुई थी। शादी के 5 बाद एक्ट्रेस ने फिल्मों में कदम रखा और अच्छे अच्छों के छक्के अपनी एक्टिंग से छुड़ा दिए। उन्होंने शुरुआती में बांग्ला सिनेमा के लिए काम किया। 1952 में उनकी बांग्ला फिल्म सारे चतुर रिलीज हुई, जो उनकी पहली फिल्म कही जाती है। उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन की जोड़ी बांग्ला सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध जोड़ी मानी जाती थी। दोनों ने मिलकर एक से एक नायाब फिल्में बनाई। उन्होंने 30 से ज़्यादा फिल्मों में उत्तम कुमार के साथ काम किया। और तो जब बॉलीवुड में काम करने का मौका मिला तो यहाँ भी उन्होंने अपनी धाक जमा ली। उन्होंने मुसाफिर, हॉस्पिटल, मुंबई का बाबू, ममता और आंधी जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें सबसे ज़्यादा देवदास और आंधी फिल्म में पसंद किया गया। सुचित्रा सेन आखिरी बार साल 1978 में प्रदर्शित बांग्ला फिल्म प्रमोय पास में देखी गई थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने इंडस्ट्री से संन्यास ले लिया और रामकृष्ण मिशन सदस्य बन गई और सामाजिक कार्य करने में लगी रही, जिसके साथ उन्हें फेफड़े में इन्फेक्शन के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने पहले ही बता दिया था कि बड़ी उम्र के साथ साथ डायबिटीज़ और थायराइड होने की वजह से भी सेहत सुधरने में रुकावट पैदा कर रही है, जिसके बाद वही हुआ जिसका सबको डर था। सुचित्रा ने 17 जनवरी 1914 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपना आखिरी समय सामाजिक कार्यों को करते हुए गुजारा था, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वे इस दुनिया को अलविदा कह गई। एक्ट्रेस के निधन से हर कोई दुखी था। उनके अंतिम संस्कार के दौरान वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता मुखर्जी की उपस्थिति में उन्हें तोप की सलामी दी गई थी। तो दोस्तों आपको सुचित्रा सेन के बारे में जानकर कैसा लग रहा है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे और दिग्गज कलाकारों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।